है, ना कहीं कोई टोंटी है, ना कोई टंकी है, खुद ही आप देख सकते कहीं नहीं है। आप किसी पूछ लो कोई, वह नगर पालिका तो कहती है करोड़ों का विकास किया, TTC योजना बनवाई, ये पाइप बिछवाए, अपने घरों में अपने घरों के सामने किया सांसद, आप देख भी सकते हो अपने घरों के सामने किया विकास। जो भी किया मेरी बिरादरी का है तो मैं खरंजा करा दूंगा, मेरा भतीजा है तो मैं अपना काम करा दूंगा, तू फलाना ब्राह्मण है, फलाना यादव है, फलाना नाई है, मैं क्यों कराऊं, मेरे कौन से रिश्तेदार। चेयरमैन ने अपने घर तक खरंजा पक्का करा लिया, एक बार फिर से प्रत्याशी बनने की उम्मीद है, ऐसे में कैसे जनता वोट दे देगी? सवाल ये पैदा होता है कि किस आधार पर आपको जनता चुनेगी? हुआ जाता हमारे रोड पे नहीं हुआ है तो कहीं भी नहीं हुआ है, वो तो हमें कहीं नहीं लगता है। कहा जाता है कि करोड़ों का विकास कराया, अब ये तो चेयरमैन जानते हैं और जो नेता बनने वो जानते हैं, हम तो नहीं जानते हैं। बहुत ज्यादा परेशानी है, ठेल फेल लगाते हैं पर निकल नहीं पाते, रिश्तेदार आम है तो कहाँ है क्या, हमें धर्मपाल जी आए थे, धर्मपाल जी ने बोला अरे ये तो चेयरमैन का काम है, चेयरमैन करवाएगा, चेयरमैन के पास में जाते हैं, चेयरमैन सही नहीं होगी। आप निकालने के लिए दिक्कत होती है, हाँ यहाँ पे विकास करवाना चाहिए, जब ही वोट देंगे नहीं वोट नहीं देंगे। लगता है कि आपको मैं जनता की आवाज़ को उठाकर एक सही काम कर रहा हूँ और जनता को एक उस मार्ग पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सही है उसको दिखा रहा हूँ, तो आप ज़रूर मेरे को यानी आप अपना आशीर्वाद दें और कमेंट करके शेयर ज़रूर करें। तो इसी के साथ साथ मैं यहाँ लिए चलता हूँ, ये मैं वार्ड नंबर 18 में हूँ, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर ये इतना विकास है, यहाँ से चेयरमैन भी यहीं नज़दीक ही रहते हैं, यहीं पूर्व चेयरमैन बीना धनगर रहती हैं जो कि पूर्व की हैं, इससे बाद राकेश बघेल जी भी आए, लेकिन देखिएगा इन लोगों को ये विकास नहीं दिखा, ये रास्ते नहीं दिखे, इतनी गंदगी नहीं दिखी, ये कैसे लोग रह लेते होंगे, कितनी समस्या होती होगी इन लोगों को, आज तक ये खरंजा पक्का नहीं हुआ, चेयरमैन ने अपने घर तक खरंजा पक्का करा लिया, एक बार फिर से प्रत्याशी बनने की उम्मीद है, ऐसे में कैसे जनता वोट दे देगी? सवाल ये पैदा होता है कि किस आधार पर आपको जनता चुनेगी, क्योंकि जनता के आप भले नहीं हुए, जनता के लिए विकास नहीं किया, जिन रास्तों पर लोग रहते हैं उनके लिए कोई विकास नहीं। मैं इन लोगों से बातचीत करूंगा, कुछ नहीं हुआ है, क्यों कीचड़ में रह रहे हैं, हम तो यहाँ गंदगी में, कीचड़ नहीं सूखा है, सूखा है, मैं निकल के देखो पहले तो आके, मैं तो निकल के आ रहा हूँ पूरे, नहीं निकल मैं निकाल लेंगे ना, और रात में आदमी आ रहा कीचड़ में आ रहा है, अच्छी बात है, बालक पड़े जा रहे हैं काय में कीचड़ में, तुमने कभी कही किसी से के विकास कराओ? यहाँ पे तो वोट मांग रहे हैं, वोट आया हमें दे दे, अंगूठा लगा दे बस छुट्टी, और कीचड़ में रह के देखे एक दिन, जो वोट मांगा तो हमने बिंदे कहते हैं हमारी गली करवाओ, हाँ हाँ करवाएंगे, हाँ हाँ करवाएंगे, पर कीचड़ में तो हमें रहना पड़ रहा है ना, बिना थोड़ी ना रहना पड़ रहा। चेयरमैन इधर आए आपकी तरफ देखने के लिए? कभी नहीं आया। फिर क्या करेंगे, डेवलपमेंट लग रहा है कि वो विकास किया उनने? तो यहाँ मैं का मालिक को आ रहा हूँ ना आ रहा हूँ, तो ये करोड़ों का विकास किया है, ना देखो तो भैया दिखाए सामने करोड़ों में, भैया हम कीचड़ में रह रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि कैसे उम्मीदवार को चुनेंगी आप, विकास ऐसा ही हुआ है उसे कि या फिर अच्छा कोई व्यक्ति आए जो रास्ता करवाए, हम तो भैया चुनेंगे पहले विकास, और पहले हमारी गली करवा दे वोट ले जाओ, गुस्सा में नजर आ रही हो, गुस्सा में कह रहे हैं करके देखो ये कीचड़ में बालक परेशान है, बिजली कहा नहीं, आप सब लोगों ने इकट्ठे होके के उनसे कहना चाहिए, तू पे एप्लीकेशन डाल रही है तो फिर कोई सुनवाई ना है रे? अच्छा, सुनवाई नहीं हो रही, क्या कहेंगे आप, लगता है कि आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है? विकास पूरी वो है ना, कच्चा पड़ी है गली पूरी, और यहाँ पे निकालने के लिए दिक्कत होती है, हाँ यहाँ पे विकास करवाना चाहिए, जब भी वोट देंगे नहीं वोट नहीं देंगे। चेयरमैन कहते हैं कि करोड़ों का विकास नगर पालिका में हुआ, वार्ड 18 में विकास हुआ उन्होंने कहा, ऐसे लोग कहते भी हैं, पूर्व ने भी किया, उम्मीद क्या है, लगता है कि विकास किया है? नहीं किया है, इस गली में नहीं हुआ है, दो तीन कॉलोनी ऐसी हैं इधर, कॉलेज के लिए बच्चे जाते हैं स्कूल में, तो यहाँ पे बस ऐसे कीचड़ में, अगर बारिश हो जाए यहाँ पे बच्चे नहीं जाते स्कूल, छुट्टी करानी पड़ती है उनकी, हाँ और क्या, और जो हमारे हस्बैंड वगैरह ड्यूटी वगैरह जाते हैं यहाँ पे, और बारिश हो जाए निकलने में भारी दिक्कत पड़ती है यहाँ पे।
लगता है कि ऐसे नेताओं को चुनना चाहिए जो नहीं यार हमें कोई सुविधा ही नहीं है तो क्या चुनना पड़े, फिर दूसरा कोई अच्छा आना चाहिए वो निकलवाए यहाँ पे रोड वगैरह। हाँ। क्या नाम है आपका? नौरंगी लाल जी। नौरंगी लाल आप कौन से वार्ड में रहते हो? जी 18 में। 18 में क्या मानते हो कितना विकास हुआ है आपके चबूतरे के सामने? विकास बहुत, मतलब पानी में कीचड़ में रह रहे हैं। कीचड़ में रह रहे हो? हाँ। लेकिन नगरपालिका में तो ऐसा बताया जाता है कि पिछले 5 साल में करोड़ों का विकास हुआ। अरे यहाँ कोई ना चेयरमैन फेयरमैन का ना कचू करो। क्यों? हाँ भाई ना यहाँ के पानी की कोई व्यवस्था सही है? कचू ना है। फिर कैसे रह पाते हो आप यहाँ से? अरे भाई अपनी मतलब कर रहे हैं, मतलब अपनी समय पास और कहा है, मतलब कीचड़ कांचड़ में और कहा है, मतलब अपनी बाद लाट की गई लाट समरवाई नहीं, कोई बात नहीं, कचू कोई ना कचू कर रहा हूँ। सभासद कौन है आपके यहाँ से? वो तो खैर तो मतलब अगेलो ही है घरों को ये बोल। अच्छा अच्छा। बाना काम ना करोगे मक्का सब एक जैसे हो गए? सब एक ही है। उम्मीद क्या है आने वाले कल में कौन आपके लिए सही काम करेगा? अब जी तो समय बता भाई कौन आएगा कैसे कहा है, मतलब ताकि नसीब में होगा वही होगा। वैसे तो अभी फिलहाल ऐसी कर दी गई है सीट, लेकिन उसका अभी कोर्ट पर बयान जा रही है। ऐसी अपने में जामे ना आते? नहीं मैं उस सभासद की बात नहीं कर रहा, मैं चेयरमैन की बात कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि कैसे आप प्रत्याशी को चुनोगे? बढ़िया हो, कोई हो कहा था काम अच्छा करा। आपको लगता है पहले सब पे विश्वास करके चलते हैं कोई बढ़िया काम करता है? नहीं काम बढ़िया वैसे जो मेहतर हो बने काम बढ़िया पहले करो पाए थे। अच्छा सतीश ने? हाँ काम मतलब पहले हमें आए नहीं जाते पहले बताते लोग काम अच्छा करो बने लोगों ने नहीं तो काम किया है। अरे वो जाओ पे लाओ खरंजा डारे बेका मतलब होने नहीं दो ताकना। होने कौन नहीं देता है? यू ही नहीं होनी थी मीना। अच्छा जहाँ पे आओ काम चालू बहु जहाँ पर दे लाओ का आया था काम होने ना दो जाओ। यानी समस्या बनी हुई है होने नहीं देते हैं। क्या नाम दादा? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। आपको समस्या नहीं होती ये इतना गंदगी से पानी भरा हुआ है? बिल्कुल साहब होती है, क्यों नहीं होती है। लेकिन मेरा यहाँ से गाँव है, मेरा रास्ता इधर से ही जाने आने का है। मैं भी कीचड़ में होकर निकल के जाता हूँ और मुझे भारी परेशानी उठानी पड़ती है। मैं मजदूर किस्म का आदमी हूँ और मैं रात बिरात भी आता हूँ तो गिरते गिरते मैं अपने घर तक पहुँचता हूँ और सब भारी परेशानी उठानी पड़ती है ये रास्ते की वजह से। आदमी को खाना एक बार को ना मिले लेकिन रास्ता तो सही मिले। लेकिन लगता है आपको कि जो नेता चुनते हैं वो सही ढंग से जनता की बात को सुनते हैं? नहीं कोई कोई नेता ऐसा होता है जो सुनता है, कोई ऐसा होता है जो कानों से इधर सुनी इधर निकाल देते हैं कानों से और कोई काम नहीं कराते। इतने 5 साल में कोई काम हुआ है? हुआ है लेकिन जो सही जगह पर होना चाहिए वो नहीं हुआ है। यहाँ पानी भरा रहता है, यहाँ कीचड़ भरी रहती है, यहाँ होना चाहिए यहाँ नहीं हुआ, सब जगह होता रहा, उससे क्या लेना देना साहब। इस बार क्या उम्मीद है कैसे फिर चुनोगे? ऐसे हम तो ये चाह रहे हैं कि कोई अच्छा प्रत्याशी आए तो उसको चुना जाए। तैयारी पूरी है? हाँ पूरी तैयारी है। क्या नाम बेटा आपका? काजल। आपके ये घर के सामने इतनी गंदगी पड़ी हुई है क्या? अब पड़ी है तो क्या कर जाए, वो तो पड़ी है तो पड़ी है, उससे कुछ होता नहीं रहा है। लगता है विकास होगा? कुछ भी नहीं लगता है। पिछले 5 साल में कितना विकास? कुछ भी नहीं हुआ, जब तो हमारे रोड पे नहीं हुआ है तो कहीं भी नहीं हुआ है, वो तो हमें कहीं नहीं लगता है। कहा जाता है कि करोड़ों का विकास कराया नगरपालिका। अब ये तो चेयरमैन जानते हैं और जो नेता बनने वो जानते हैं, हम तो नहीं जानते हैं कहाँ जा रहा है पैसा कहाँ नहीं जा रहा है। कभी आके यहाँ चेयरमैन ने देखा? कहीं नहीं देखा, आते चले जाते हैं, टैक्स मांगते हैं, किसका टैक्स दो उसका टैक्स दो किसका टैक्स दो, जब खरंजे नहीं बनना हमारे आगे तो। बरसात के दिनों में कैसा रहता है यहाँ? बहुत ही ज्यादा गले करने की जगह भी नहीं मिलती है, बहुत सब बहुत। क्या कहेंगे अगर आपकी बार वोट डालने का मौका मिलता है तो कैसे व्यक्ति को चुनना है जो आपके? जो हमारे नाम पर खरंजा कराएगा उसको हम वोट देंगे और अन्यथा नहीं किसी को दे रहे हम तो, सीधी बात है। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। परेशानी होती है आपके घर के सामने इतना बड़ा पड़ा? बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, निकलने में होती हैं, यहाँ से कीचड़ में आदमी फिसलता है, अगर फिसलते हुए जाते हैं वो दिक्कत है। उनसे कहा है नगर पालिका में जाके वो कुछ कार्रवाई करते नहीं, आगे आते हैं देख के चले जाते हैं। यानी टाल दिया जाता है? टाल दिया जाता है उस बात को, कुछ कार्रवाई होती नहीं है। तो आ गया होगा? हाँ बिल्कुल आ चुका है वोट मेरा। तो इस बार कैसे चुनोगे फिर ऐसा ही विकास? देखते हैं भाई, वो खैर अभी जॉब लगी हुई है, देख रहे हैं आगे क्या होता है। नेताओं से क्या उम्मीद है, लगता है कि विकास होगा? नेताओं से तो कोई उम्मीद नहीं है, अभी धर्मपाल जी भी आए थे, उन्होंने कुछ अखबार डाल के चले गए कि महीने के अंदर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। यानी विधायक भी फेल? वो भी देख के चले गए, उनका भी कुछ नहीं हुआ है, सब फेल। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश कैसा विकास है आप? कहाँ विकास हो रहा है आपको देख रहा है ना, कहाँ कहीं विकास नहीं हो रहा है। मेरी गली तो सिर्फ बरसात में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है निकलने विकलने की, बच्चे भी खेलते हैं गिर जाते हैं। अभी जो साइड में ये नालियाँ वालियाँ करवा दी हैं वो भी बरसात में बरसात के पानी से बोलो एकदम बेकार हो चुकी हैं वो भी।
उनका भी कोई विकास अच्छा नहीं। क्या मानते हो आप, वास्तविकता में धरातल पर काम होता है या वैसे ही टाल दिया? कुछ नहीं, सब खाना पूर्ति हो रही है, कोई विकास नहीं हो रहा है। ये नालियाँ वालियाँ सब बरसात के सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ना, जो बरसात में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी आप लोगों ने शिकायत की इसकी? हाँ की है, कई बार की है शिकायत, मतलब वही कोई सुनवाई नहीं होती है। ऐसे ही अभी धर्मपाल जी भी आए थे, उन्होंने भी देखा, बस कुछ हुआ नहीं, देख दाख के चले गए। यानी विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास कहीं नहीं हो रहा है। किसी से उम्मीद है आपको, सांसद से, विधायक से या नगरपालिका चेयरमैन रहे उनसे उम्मीद है? नहीं, हमें तो किसी है कि वोट मांगने आते करते हैं, लेकिन वही है कि देख दाख के चले जाते, कोई उम्मीद ही नहीं है उनसे। बस एक आस बनी रहती है, वो भी खत्म हो चुकी है। ऐसा तो नहीं कि आप माला पहले पहना देते हो तब विकास की कहते हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, पहली बार ऐसा ही लग रहा है कि पहले माला पहनाओगे तो विकास नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा आपकी यार तो ये सोच समझ के ही करना है, जो भी करना है देखते हैं क्या होता है। इस बार सोच रहे हैं कि थोड़ा पहले विकास हो जाए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जनता पहले अपना विकास कर लेते हैं लोग। मैं इनसे पूछ लेता हूँ, क्या नाम है आपका? सोनिया। परेशानी होती है आप इतनी गंदगी? परेशानी, हमारे तो बच्चे भी गिरते हैं इसमें पानी में, बहुत दिक्कत है आने जाने की। कभी शिकायत वगैरह की आपने? करी है कई बार, करी है, पर कोई सुनती ना, कोई सुनवाई नहीं। विकास होगा आपके क्षेत्र? मुझे तो लगता नहीं है, मैं तो वोट नहीं डाले जाऊंगी। हार चुकी है और क्या, वोट तो डालना है आपको। तो कैसे डाले बच्चे, पता कितनी परेशानी हो गई है, छोटे छोटे बच्चे डूब जाते हैं, हम पानी में गिर जाते हैं। अम्मा जी, आपके यहाँ से चेयरमैन नजदीकी रहती है, पूर्व विकास किया कछूना कछूना करो बिन्ने बिन्ने रोक परु बने हुए आई परु की तोस की बात है, रोक लगाई दी बिल्कुल जे मीना दन खन्ने। अच्छा, फिर आएगी तो? आएगी तो आएगी, हमें ना पता ना, हम देवे ही ना जाए रहे वोट। आ रही है फिर तैयारी करके वोट? अरे आ में दे सका आती रहे, पर हम देवे ना जा रहे, का मतलब में जा में हम का हुआ तो लाइट बिल्कुल लाइट को बिल्कुल वो ना आएगो हैं, और गली को हथु ना आएगो ना, का पानी पता का हुआ तो साधन हतु है, कोई साधन नहीं है, कोई साधन ना आएगो। कैसे चेयरमैन चुनोगे फिर अब की बार? अब देख चुनोगे कैसे, अब देखे होंगे तो हैं खरंजा बन जाए। और भी भाई खड़े हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। दादा जी, आपके घर के सामने इतनी गंदगी पड़ी हुई है, क्या कहें? यार हम क्या कर सकते हैं, गंदगी है, लोगों से कहते हैं इसका कुछ हो रहा नहीं है, तो हमारा कहने का है वो कह देते हैं। अब हम तो ये सोच रहे हैं कि वोट तभी डालने जाएंगे कि हमारा ये गली वाला खरंजा हो जाएगा, तो उससे पहले हम वोट नहीं किसी को देंगे। आपके घर से थोड़ी सी दूर पर पूर्व चेयरमैन रहती है, विकास किया? अब वो तब तो मैं यहाँ रहा नहीं हूँ जो मैं कह सकूँ, मैं अभी आके रहा हूँ, मैं पानी में निकलता हूँ, जब काम करके आता हूँ तो यहाँ पर गलियों में इतना पानी रहता है, इतने घोटू तक पानी में होते हुए निकलते हैं हम लोग। लेकिन तो, एक जेनुअल बात यह है कि ये अब चेयरमैन अपने घर तक खरंजा करा लेती हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ नहीं करा पाती हैं, लगता है उम्मीद है कभी ऐसी फिर दोबारा से आ जाए तो कैसे वोट पड़ेंगे? ये तो भाई सब लोगों की इच्छा होगी वही काम होगा, हम तो ये सोच रहे हैं मैं तो वोट डालने जाऊंगा ही नहीं। ना, ना, ये तो कानूनन अधिकार और ये जुर्म भी है। मेरी कोई रास्ता निकलने की नहीं है, मैं किसको वोट दूं? कोई चेयरमैन आता है अपना अपना हिसाब बनाता है, कोई वोट डालने नहीं आता, तो मैं हाँ विधायक जी से की थी, वो भी आए थे, उन्होंने पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, वो तो कह के चले गए हो जाएगी, फिर पता नहीं उनका भी कुछ नहीं हुआ। सांसद से उम्मीद है विकास होगा? सांसद जी से क्या उम्मीद है, जब यहाँ पे पानी इतना भरा रहता है, मच्छर खाते हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्या करें? अब इलेक्शन आगे सब आएंगे पैर छीलेंगे आपके, बस इलेक्शन आने का टाइम हुआ तो सारे लोग आने लगे, उससे पहले कोई नहीं आता है। मैं तो ये कहता हूँ मैं तो वोट ही नहीं डालूँ, इतना गुस्सा आता है मुझे। वोट तो डालना, आप वोट की वोट की चोट से ही चुना जाए। नहीं नहीं, वोट डालने के टाइम सब वोट लेने आते हैं, उससे पहले तो कोई आता नहीं है भाई। हाँ लेकिन लगता है ये वादे पर काम करते हैं नेता या सब वैसे दिखावा करते हैं? कहते हैं, अब मुझे तो ऐसा लगता है सब दिखावा करते हैं और क्या है। जब इस बार को परेशानी है इसमें निकलने की, कीचड़ में पानी, अभी तो चलो ये अगर मौसम वैसा है पानी बरस जाए तो घोटन पानी होकर निकलती है, हम लोग बहुत बड़ी परेशानी होती है। परेशानी होती है, कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा कैमरा उधर भी चला दे, परेशानी को दिखा भैया। लगता है कि आप देखो इधर कितना मतलब गंदगी हो रही है, समानी वहाँ तक देखो, उधर निकल के जाओ, कोई सी गली ऐसी है सो हम लोग निकल जाए। चेयरमैन तो यूँ कहते हैं कि विकास हुआ है, कई करोड़ रुपए हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है, तो हमको तो ऐसा लगता है कहीं नहीं विकास हुआ होगा, हुआ होगा तो वो अपने यहाँ उस गली में हुआ होगा, इस बात को हम नहीं कहेंगे। हमारी गली में हमें निकलने में बहुत बड़ी परेशानी होती है। इस बार कैसे चुनोगे फिर? नहीं अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि
कोई बढ़िया आदमी आ जाए, हमारी व्यवस्था बना दे, ऐसा आदमी कोई होना चाहिए। यानी आपकी सफाई होनी चाहिए। हाँ, सफाई होनी चाहिए। नगर उस पहाड़ में रह रहे हैं तो थोड़ा काम तो होना चाहिए। लगता है ये कस्बा है, इससे तो बेटर गांव रहते हैं। हमारे गांव में जब गांव रहते थे तो सीमेंटेड गली थी हमारे गांव में। हम घर और वहाँ ये बाजार है, नाम का बाजार है, हम तो जिंदगी नरक की जी रहे हैं इसमें। लेकिन सब लोग तो कहते हैं कि एतमादपुर बहुत अच्छा है, चारों तरफ से पक्का है, के लिए अच्छा है। यहाँ तो बिल्कुल ही नरक बना हुआ है और यहाँ लोग गिरते हैं, बच्चे भी गिरते हैं इसमें आके, और यहाँ अपने वादे से मुकर जाते हैं लोग। वादा तो कर देते हैं चुनाव से पहले कि हम ये करवा देंगे, कि हम वो करवा देंगे, तुम्हारे खरंजे नाली सब। मेरा नाम आकाश चौहान है और सर मैं इसी वार्ड का नागरिक हूँ। समस्या से सर मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले कि इंदमापुर में मैंने जहाँ तक देखा कि खरंजा एक बार नहीं दो बार हो चुके हैं लोगों के, खरंजे के ऊपर खरंजे के ऊपर खरंजा, और जहाँ जरूरत भी नहीं सर वहाँ भी हो चुके हैं। चाहे बिहारीपुर का रोड ले लो, चाहे अंदर कहीं भी ले लो, वहाँ लोग आते आते नहीं, वहाँ भी सर हो गए। लेकिन जब से मुझे करीब 15 साल हो चुके हैं, 15 साल में ये गली अब तक नहीं सर हुई। मैं आपको बताऊँ हालात इतने बदतर हैं कि आदमी पैदल भी निकलना तो दुश्वार है, चाहे खुद भी आप देख सकते हो। ये दूसरी है सर, हर गली मोहल्ले मैंने देखा सबके यहाँ पे वो लगी हुई लाइटें, हमारे यहाँ केवल 2 लाइटें लगी, वो भी सर वहाँ कोने पे लगी। एक जो चेयरमैन जो पूर्व चेयरमैन उनके घर के सामने, एक उधर कोने पे लगी, उसका भी मुँह आप देख सकते हो, उधर मुँह मोड़ दिया गया। पूरी गली में सर अंधेरा रहता है। दूसरी तीसरे से मैं बताऊँ, कहीं भी सर आपको देख सकते हो, और कोई पैदल भी राहगीर जाता है रात के समय गर्मी, कहीं भी पानी पीने की सुविधा है ही नहीं, कोई सुविधा नहीं, ना कहीं नल है, ना कहीं कोई टोंटी है, ना कोई टंकी है, खुद ही आप देख सकते हो कहीं नहीं। आप किसी भी पूछ लो, कोई नगर पालिका तो कहती है करोड़ों का विकास किया, TTC योजना बनवाई, ये पाइप बिछवाए ना, अपने घरों में अपने घरों के सामने किया, सांसद आप देख भी सकते हो अपने घरों के सामने किया विकास, जो भी किया अपने घर के सामने खरंजे करा लिए गए, अपने घर के सामने पानी की टंकियां रख दी। लेकिन नागरिकों के इसके बारे में सर बिल्कुल भी नहीं सोचा इन्होंने, कोई फायदा नहीं है, कोई हमने नागरिकों के बारे में सोचा, केवल अपने घर के सामने कराया, जो कुछ भी कराया, जितना भी विकास, पानी, सुमर कुछ भी आप ले लो, एक्सपोजर सब अपने घर के सामने ही कराया। ऐसी उम्मीद फिर आप कैसे कर सकते हो, विकास की कोई उम्मीद है ना एतमादपुर नगर पालिका से? कुछ लोगों से सर उम्मीद है, वो सर हमारे आंतरिक है, आगे सर चुनाव होंगे जब वोट सब डालेंगे, उनसे बहुत ही उम्मीद है, जो आने वाले लोग होंगे। बाकी सर जिनसे उम्मीद थी उनसे उम्मीद अब खत्म ही हो चुकी है हमारी, खत्म हो चुकी है, बिल्कुल ही सर खत्म हो चुकी है उनसे जो हमारी उम्मीद है सच्ची। अच्छा, प्रायोरिटी क्या रहेगी अब की बार किसी व्यक्ति को चुनने की? आप सर अब की जो पहली सर्वप्रथम जो रहेगी, हम चुनेंगे सर किसी शिक्षित को, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो चीज़ों को समझे, जो हर बात में वाद विवाद ना करे, कुछ पेन और कागज से कार्य करें, क्योंकि सर विवाद करने के लिए सर यहाँ बहुत लोग बैठे हैं। कुछ लोग इसे कराने का प्रयास भी करते हैं, ऐसी बात नहीं लोगों ने प्रयास नहीं किया, इन्हीं लोगों ने इसे कराने का प्रयास किया, परंतु उन्हें रोक दिया गया तो इस कार्ड रोक दिया, उनसे बोला गया इसे कराएंगे तो केवल हम ही कराएंगे, अन्यथा इसे कोई नहीं करा सकता। अब उनका सर ये एक दबाव रहता है हम लोगों के ऊपर, गली मोहल्ले बालक ऊपर, कि आप हमें जिताओ तो हम इसे कराएंगे, अन्यथा ये कभी नहीं हो। नहीं, विधायक सांसद या किसी चेयरमैन से ढंग से शिकायत की है, लिखित में शिकायत दी है? सर ऐसी बात नहीं है, यहाँ के जो चेयरमैन थे उन्होंने भी सर इसे कराने का प्रयास किया था, उन्होंने अपने लोग भी भेजे थे इसे कराने के लिए, ये चौंतरिया तोड़ भी गई थी, लेकिन परंतु कुछ लोगों ने आके उसे आके रोक दिया। जैसा रोक दिया गया सर, वो भी सर पीछे फिर हट गए, क्योंकि सर बाद विवाद कोई आपस में सर करना नहीं चाहता है ना, क्योंकि ये तो 5 साल के लिए केवल, तो आदमी यही सोच लेता कि हम तो 5 साल के लिए क्यों उससे लड़े, तो लोग पीछे हट जाते हैं। मैं आपको बता दूँ, लोगों की समस्याओं को सुनने वाला है नहीं। दूसरा फिर इसके बाद ना तो गली में कोई मोहल्ला में देखने आया, ना ही किसी ने समस्या संज्ञान लिया। जिन लोगों ने संज्ञान में लिया उनकी सर कोई सुनने वाला नहीं है। सर अकेला व्यक्ति कोई कब तक करे संकर, कुछ लोगों ने कराने का भी किया प्रयास, ऐसी बात नहीं है, पर सर वो बात विवाद बीच में आता है, लोग सर आगे पर आते नहीं है निकल के। और बाकी सर हाल आप सर देखिए, हाल तो बेहाल हो रहा है। एक पंडित जी हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। आप शायद लगता है कि इस बार बाढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हो, इसी से तो क्या लगता है यहाँ की जनता की जेन्युइन समस्या को आप उठा रहे हो? मैं जहाँ ये मुझे एतमादपुर में 12 साल हो गए यहाँ रहते हुए, और यहाँ मैंने 12 साल रहते हुए ये देखा है कि यहाँ एक तो जातिवाद बहुत है, कि मेरी बिरादरी का है तो मैं खरंजा करा दूंगा, मेरा भतीजा है तो मैं अपना काम करा दूंगा, तू फलाना ब्राह्मण है, फलाना यादव है, फलाना नाई है, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे कौन से तू रिश्तेदार। मैंने ये देखा सबसे पहला पॉइंट में, जातिवाद इतना अधिक है यहाँ पे कि शायद ही मैंने कहीं और देखा हो। दूसरा मैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा क्या रहा है कि अगर मैंने मुहिम उठाई है कार्य सही कराने की, गलत कार्य को पब्लिक तक दिखाने की, उस कार्य को सही करानी, तो वहाँ पर भी रोक लगाई जा रही है, भाई तुम कौन होते कराने वाले, मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं मुखिया हूँ, मैं कराऊँ मैं नहीं कराऊँ। फिर सबसे ज़्यादा मैं इस जनता से कहना चाहूँगा जो डर के रहते हैं, अभी भैया जी कह रहे थे कि जब हमारा काम क्या है, जो हम हाई कोर्ट जाएँ कि वो कोर्ट में जाएँ, तो मैंने इनसे कहा आपकी कितनी फैमिली है, 10, 12, 15, एक एप्लीकेशन लिखो, 10 रुपये के ITR पर डालो,
तुरंत आपको गवर्नमेंट जवाब देगी कि क्यों गली नहीं बनी, क्यों नहीं बनी है, तो कि तो सभासद क्यों बनते हैं, मंत्री क्यों बनते हैं। ये लोग थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करें तो ना तो किसी से युद्ध करना पड़े, ना लड़ाई करनी पड़े, ना झगड़े हों, ना मतभेद हों, और कार भी आपको। यानी आम नागरिक जागरूक नहीं है, कहीं ना कहीं उसे डर लगता है सच कहने। वो ये चाहता है कि मंत्री पूरा काम कर दे, विधायक कर दे, सभासद कर दे और चेयरमैन कर दे। मैं घर बैठा रहूँ, मेरे घर पानी भरा रहेगा, वो मुझे मंजूर है, पर मैं कागज क्यों जमा करने जाऊँ वहाँ पे? वो नहीं करेंगे कि तुम हो सभासद तुम करो, तुम हो मंत्री तुम करो। यानी ये कहावत से दो रही है यहाँ पर, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध पिलाती नहीं, नहीं पिलाती नहीं है, बिल्कुल तो रोना पड़ेगा, पड़ेगा रोना। बच्चे रो नहीं रहे, नहीं रो रहे तो वो रह रहे। देखो दिखाओ भैया, दिखाओ, विकास होगा, होगा विकास। अब जब कोई कह रहा है चलो मैं आपके आगे आ रहा हूँ, आप एक एप्लीकेशन लिखो और मैं आपका कार्रवाई कराऊंगा, कि तो हम क्यों कराएं? खुद करो एप्लीकेशन, खुद ही साइन कर दूं मैं इन सब मोहल्ले वालों के, खुद ही मैं इन सब के बैनामा ले लेके चला जाऊं। सब कुछ शांति से एक बार में 50 सवाल कहां, यानी परेशान। अरे वो कुछ, अरे सर ऐसे नहीं होता कुछ भी। कार्य जब करते हो तो हर जगह